अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है। आज मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन फेज़ 8 के ओवरसीज़ ब्लॉक में इस खूबसूरत डिज़ाइनर रियल स्टेट के साथ 10 मरला के साइज़ में। व्यूअर्स, सबसे पहले इस घर की मैं लोकेशन की बात करता चलूँ तो बैरियर टाउन फेज़ 8 के बिल्कुल स्टार्ट में बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पर आपको एक घर मिलता है। ये ओवरसीज़ ब्लॉक बैरियर टाउन फेज़ 8 के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, जिसका मतलब ये कि आपकी मेन जीटी रोड की एक्सेस आपको हार्डली जो है 8 से 10 मिनट में आपको मेन जीटी रोड की एक्सेस मिलती है। और अगर बाकी मैं कमर्शियल की बात करूँ, मस्जिद की बात करूँ, तो बहुत इजी नियर बाय एक्सेस में आपको सारी अमेनिटीज़ मिलेंगी। आपको बिल्कुल एक इजी एक्सेस में पेट्रोल पंप भी मिलेगा और ओवरऑल सारी जो है लोकेशन है, सारी अमेनिटीज़ आपको बहुत इजी नियर बाय एक्सेस में मिलेंगी और मेन जीटी रोड की एक्सेस भी बहुत आपको करीब मिलेगी। तो व्यूअर्स, मेक श्योर करें वीडियो एंड तक जरूर देखें। और इसकी मैं स्ट्रीट व्यू के साथ बात कर दूं तो बिल्कुल एक डेड एंड स्ट्रीट है, जिसका मतलब ये कि स्ट्रीट में बस वही बंदा आएगा जिसका इस स्ट्रीट में घर है। तो सिक्योरिटी वाइज और सेफ्टी वाइज ये बहुत अच्छी एक प्राइम लोकेशन पे घर है। और मेक श्योर करें वीडियो एंड तक देखें ताकि घर के कंप्लीट फ्लोर प्लान, घर की प्राइस और बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर हों। चलें व्यूअर्स, विजिट स्टार्ट करते हैं। इस घर का प्रॉपर विजिट स्टार्ट करते हैं। इस घर के रैंप एरिया से आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव रैंप एरिया और काफ़ी सॉलिड टाइल आपको स्क्वायर शेप में नजर आएगा इसके रैंप एरिया पे, जहाँ पे आप आई थिंक एक गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। साथ आपको दो प्लांटर्स भी आपको बिल्कुल एक अपोजिट जो है वो पड़े हुए नजर आएंगे। और स्ट्रीट व्यू की बात करूँ तो काफ़ी वाइड स्ट्रीट है, काफ़ी खुली डुली स्ट्रीट है आपकी, क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक के काफ़ी वेल मेंटेन्ड ब्लॉक होते हैं बैरियर टाउन फेज़ 8 के जो ओवरसीज़ ब्लॉक्स होते हैं। तो व्यूअर्स, इसके मैं पहले एक्सटीरियर लॉन की बात करूँ तो आपको बहुत खूबसूरत वेल मेंटेन एंड वेल प्लांटेड जो है इस घर का आपको एक्सटीरियर लॉन एरिया मिलेगा, जहाँ पे कोरियन ग्रास का व्यूज़ देख सकते हैं। इसके साथ में दीवार की बात करूँ तो आपको वुडन में प्रोफाइल लाइट के साथ बहुत ही खूबसूरत जो है लाइट्स मिलेंगी और वुडन में टाइल वर्क मिलेगा। साथ आपको रॉक वॉल का भी यूज़ मिलेगा इस घर के कम्प्लीट थ्रोट फ्रंट एलिवेशन में। व्यूअर्स, गेट की बात करूँ तो ब्लैक एंड गोल्डन कलर में आपको बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग में गेट मिलेगा। तो जल्दी से इस घर के मैं अंदर एंट्री लेता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द कारपोर्ट्स एरिया जहाँ मैंने एक्सेस कर लिया है। आप देख सकते हैं तीन गाड़ियाँ आपकी इजली यहाँ पे पार्क हो जाएंगी इस कारपोर्ट्स में। दो गाड़ियाँ आपकी यहाँ पार्क होंगी, एक गाड़ी आपकी जो है लेटरल साइड पे इस साइड में भी पार्क होगी। और आप देख सकते हैं जो रॉक वॉल है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसका यूज़ आपको थ्रू आउट घर के बैक ऑफ द हाउस तक फ्रंट एलिवेशन में जो घर की फेसिंग है प्रॉपर, उसमें आपको थ्रू आउट इस रॉक वॉल का जो है यूज़ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा और खूबसूरत एलिमेंट है फॉर एलिवेशन। तो ये प्लांटर्स की आपको कमी किसी किस्म की नहीं मिलेगी, प्लांटर्स आपको काफ़ी मैसिव अमाउंट में प्लांटर्स नज़र आ रहे हैं। साथ आपको इस साइड पर भी जो ड्राइंग रूम एरिया की फेसिंग है आपको फैंसी लाइट्स का यूज़ मिल रहा है, साथ आपको वुडन में टाइल वर्क भी मिल रहा है एक बड़े विंडो पैनल के साथ। तो व्यूअर्स, कारपोर्च एरिया में काफ़ी मैसिव कारपोर्च एरिया, काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्लीक डिज़ाइंस में आपको सोफिस्टिकेटेड फील्स में आपको जो मिलेगा इसका घर का कारपोर्च एरिया। सामने आपको तीन डोर्स नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर डबल यूनिट है, खूबसूरत डिज़ाइनर घर है, खूबसूरत लग्जरी इंटीरियर के साथ। आप देख सकते हैं तीन डोर्स हैं, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर, ये घर के अपर पोर्शन की एंट्रेंस का डोर है, बिल्कुल सेपरेट अलग थलग। और इसके साथ ये जो दरवाज़ा है ये आपके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, जिसको आप कार पोर्च एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, तो जल्दी से इस घर के अंदर जो है प्रॉपर मैं एंट्री लेता हूँ। काफ़ी सॉलिड आपको हाइटेड इस घर के दरवाजे मिलेंगे जी। तो व्यूअर्स, घर के अंदर मैं एंट्री हो चुका हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया प्रॉपर डबल यूनिट ये घर है। और इस दरवाजे की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल अलग दरवाज़ा है जो कि आपके अपर पोर्शन की एंट्रेंस है, बिल्कुल अलग थलग, जिसका मतलब ये कि इस घर को बाय करके परचेज करके अगर आप फ्यूचर में रेंट आउट करना चाहें तो उसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। यहाँ आप सिंपल एक छोटी सी पार्टीशन करके आपको इस घर को ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, घर के अंदर में आ चुका हूँ, आप देख सकते काफ़ी आपको एक मैसिव आपको जो इस घर का टीवी लॉन्च एरिया मिलता है, वुडन में आपको वुडन फील्स में जो है सीलिंग वर्क नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक पैटर्न में सामने वॉलपेपर वर्क नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में मोल्डिंग वर्क बहुत प्यारा लग रहा है और खूबसूरत शैंडेलियर की प्लेसमेंट भी आप टीवी लॉन्च एरिया में देख सकते हैं। इसको फर्दर मैं लेके चलूँगा, सबसे पहले आपको मैं पाउडर रूम एरिया दिखा देता हूँ इस घर का, जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल साफ है। यू कैन सी वेंटी और कमोड अंडर द स्टेयरकेस, बिल्कुल आपको इसका घर का पाउडर रूम एरिया मिलेगा। इवेंटर्स के बिल्कुल साथ आपको एक निश डिज़ाइन मिलेगी वॉलपेपर वर्क के साथ, साथ आप प्रोफाइल लाइट का यूज़ भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, जल्दी से मैं अंदर आता हूँ तो फ्लोर प्लान्स आपको ज़रा समझा दूँ। तो ग्राउंड पोर्शन में आपको दो बेडरूम्स की कॉम्बिनेशन मिलती है, आपको किचन, आपको पाउडर रूम और ड्राइंग रूम एरिया जो है ग्राउंड पोर्शन में मिलता है। जल्दी से इस घर का जो है मैं ड्राइंग रूम एरिया देख लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल यूजली अक्सर घरों में ये जो है यहाँ पे पार्टीशन नहीं की जाती, इसको ओपन रखा जाता है। तो यहाँ इन्होंने पार्टीशन की है और डोर्स लगाए, और अगर आप ग्लास के गौर करें तो ग्लास भी वो लगाया जो कि सी थ्रू नहीं, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो काफ़ी हद तक जो है वो मेंटेन रहती है। तो व्यूअर्स, जल्दी से इन डोर्स के थ्रू मैं इसके ड्राइंग रूम एरिया में एंटर एक्सेस करता हूँ। तो यू कैन सी खूबसूरत बहुत ही सिंपल जो है वॉल जो दीवारों पे आपको काम नजर आएगा, काफ़ी अच्छी शाइनिंग लुक में आपको इसकी
टायर नजर आएगा और काफी मैसिव साइज के टायर, क्योंकि ये टायर जो ब्रांडेड टायर है तो इसकी जो ये शाइन है इसमें कोई स्क्रैच नहीं आएगा, ये लाइफ टाइम शाइन है। सामने आपको बड़े साइज के विंडो पैनल्स नजर आ रहे हैं और मैं सीलिंग की बात करूँ बहुत ही खूबसूरत आपको सीलिंग वर्क एक लाइंस में बड़ी फाइन लाइंस में सीलिंग वर्क आपको नजर आ रहा है। व्यूअर्स जल्दी से इसका जो है मैं आपको टिकलोज दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स दिस इज द टिकलोज एरिया जिसको मैं ड्राइंग रूम की जो है एंट्रेंस जरा आपको व्यू करवाता हूँ, तो आपको इसके साइज का जरा आपको एक्सपीरियंस हो जाए। काफ़ी मैसिव साइज का आपको टिकलोज एरिया मिलता है। सामने आप मीडिया वॉल देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मीडिया वॉल्स है जिसमें ड्रॉर्स भी आपको नजर आएंगे। साथ पीछे आपको वॉलपेपर वर्क नजर आ रहा है, प्रोफाइल लाइट्स का जो है वो मिल रहा है आपको साथ। और इसके साथ ही बिल्कुल इस मीडिया वॉल के बैक में मुझे इस घर का क्लोज में किचन एरिया मिलता है जिसमें आपको मैं लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वुडन में आपको किचन का टाइल वर्क मिल रहा है। सामने दरवाजा जो कि ऑब्वियसली साइड वॉक्स को एक्सेस कर रहा है, इसके साथ आपको कोरियन एज अ काउंटर टॉप यहाँ पे इस किचन में मिलेगा। और साथ आपको जो है नेस्केस ब्रांड का हुड और बर्नर मिल रहा है। साथ आपको हैंडल लेस जो है बिल्कुल सारे जो कैबिन मिल रहे हैं किचन एरिया के, यू कैन सी। और दरमियान में बहुत ही खूबसूरत आपको हैंगिंग में फैंसी लाइट्स मिल रही हैं बेहतरीन जो है सीलिंग वर्क के साथ। इस साइड में बात करूँ तो आपको वर्टिकल में सारे जो है ग्लास के जो है कॉम्बिनेशन के साथ कैबिन्स मिल रहे हैं। साथ आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है और उसके ऊपर एक बड़ी आपको विंडो भी मिल रही है जो कि आपके वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। तो व्यूअर्स जल्दी से वापस आता हूँ टिकलोज एरिया की तरफ। तो इसका घर का पहला बेडरूम हम देख लेते हैं। तो व्यूअर्स इसके बिल्कुल एग्जिट करके मुझे राइट साइड पर इसका पहला बेडरूम मिलता है। यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क बेहतरीन कलर स्कीम में आपको ये मिलता है। साथ आपको सामने बड़े साइज की विंडो नजर आ रही है। बिल्कुल सिंपल जो है आपको इसका सीलिंग डिजाइन मिलता बहुत ही खूबसूरत मिल रहा है लग रहा है जो कि साथ आपको वार्डरोब एरिया मिल रहा है। काफ़ी सॉलिड लग रहा है और काफ़ी मजबूत और मैसिव अमाउंट में आपको कैबिनेट्स मिलेंगे इस वार्डरोब एरिया में जो कि आप देख भी सकते हैं। प्यस दिस इज द वार्डरोब एरिया और विंडो बेहतरीन सीलिंग। दरवाजे की अगर बात करें तो दरवाजा काफ़ी सॉलिड वुड में आपको दरवाजा मिल रहा है। साथ आप ब्रास के दो लाइन एज अ डिज़ाइन आप इस दरवाजे में देख सकते हैं। और साथ ही अगर मैं अटैच वॉशरूम की तरफ जाऊँ तो आपको बड़ा एक रॉयल फिलिंग्स में इसका वैनिटी सेटअप मिलता है, नीचे ड्रॉर मिलता है, सामने ऊपर आपको मिरर मिलता है जिसके ऊपर आई थिंक ये घर क्योंकि फिनिशिंग के तकरीबन आखिरी टचेस में है तो यहाँ पे एक लाइट्स की प्लेसमेंट भी आपको मिलेगी। दिस इज़ द शॉवर एरिया, बहुत ही खूबसूरत वेल बड़े बेहतरीन थीम में आपको टाइल वर्क इसका मिल रहा है। इसके साथ ही एक कमोड है जिसको आप देख सकते हैं। जल्दी से व्यूअर्स इसके दूसरे बेडरूम की तरफ जाते हैं। ये तो व्यूअर्स इसके बिल्कुल साथ में दूसरा बेडरूम मिलता है। काफ़ी ये साइज के बाद से आई थिंक दूसरे बेडरूम से तो थोड़ा ये बड़ा है। इसको दिस इज द वाटर एरिया यू कैन सी, काफ़ी बड़े लंबे चौड़े आपको कैबिनेट्स मिलते हैं और सामने बड़े साइज की विंडो जो कि बैक ऑफ द हाउस को एक्सेस कर रही है। और इस साइड पे जो है साथ अटैच वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम इस साइड पे तो उस तरफ क्या है उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको मैंने भी खुद देखना है। तो अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं, वैनिटी सेटअप, सामने मिरर और बिल्कुल अलग थीम में इसका टाइल वर्क मिल रहा है आपको इस वॉशरूम का। मराची का आपको यहाँ पे कंपाउंड नजर आ रहा है जिससे आपको इस वॉशरूम्स की जो है ब्रांड की इसके सैनिटरी की क्वालिटी का ब्रांड क्वालिटी का आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज द शॉवर एरिया जो कि बिल्कुल एक अलग तरह दीवार की सेपरेशन के साथ इस वॉशरूम में आपको मिल रहा है। तो व्यूअर्स जल्दी से देख लेते हैं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। ये तो व्यूअर्स क्या बात है, एक स्टोर रूम भी आपको यानी कि मिल रहा है इस घर के इस बेडरूम में जो कि एक आई थिंक काफ़ी बड़ा एक प्लस पॉइंट है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपको आपकी जिसके लिए आपको एक बिल्कुल एक क्लोज में एक स्टोर रूम घर में चाहिए होता है जो कि अक्सर घरों में मिसिंग होता है, तो आपको इस घर के इस बेडरूम में आपको वो भी मिल रहा है। व्यूअर्स ग्राउंड पोर्शन को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, जल्दी से अपर पोर्शन की तरफ जाते हैं। दिस इज़ द डोर की मैंने बात की थी जहाँ से आप मेन जो अपर पोर्शन को एक्सेस करेंगे। व्यूअर्स आप देखते हैं ब्लैक कलर में आपको खूबसूरत ग्रिल मिल रही है और इस साइड में भी आपको विंडो मिलेगी जिसका मतलब है कि इस घर में लाइट इनफ्लो की एयर इनफ्लो की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जल्दी से घर के ऊपर जाते हैं और मोल्डिंग वर्क आपको थ्रू आउट स्टेयर केस के साथ मिल रहा है गोल्डन कलर में। व्यूअर्स अपर पोर्शन में आ चुका हूँ तो टीवी लॉन्च का मैं व्यू करवाता हूँ आपको जो कि मुझे जो फील हो रहा है ग्राउंड पोर्शन से मुझे थोड़ा मैसिव इसका अपर पोर्शन का टीवी लॉन्च जो मिल रहा है। दो थ्री ब्लेड फैन मिलेंगे आपको इस टीवी लॉन्च में, दरमियान में बहुत ही खूबसूरत रॉयल फिलिंग में आपको शैंडलियर मिलेगा और क्या बेहतरीन वॉलपेपर वर्क है, बेहतरीन प्रोफाइल लाइट है इसके साथ, बेहतरीन कलर स्कीम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कलर्स जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। दिस इज द मीडिया वॉल, दो निश डिज़ाइन, नीचे आप ड्रॉर्स वगैरह देख रहे होंगे।
अपर पोर्शन में आपको जो कि एक नॉर्मल डबल जो है यूनिट घर का जो है लेआउट होता है, आपको 3 बेडरूम अपर पोर्शन मिलेंगे। ओवरऑल आपको 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन के साथ ये बेहतरीन लग्जरी इंटीरियर के साथ बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ आपको ये घर मिलता है एक बेहतरीन लोकेशन पे। व्यूअर जल्दी से इसका मैं किचन देख लेता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल वुडन में टाइलवर्क नज़र आ रहा है, कैबिनेट्स रैक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं इस किचन में, और आई थिंक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है नीचे जो किचन में है, कोरियन को ऐसा काउंटर टॉप यूज़ किया गया। सामने आपको बड़े साइज के विंडो नज़र आ रही है, वॉशिंग एरिया, आपके कैबिन्स बिल्कुल हैंडलेस और नैस गैस ब्रांड का आपको हुड और हॉब मिल रहा है। जल्दी से व्यूअर्स पहले बेडरूम की तरफ जाते हैं, इसके बिल्कुल राइट साइड में मुझे मिल रहा है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं लाइक इन द ग्राउंड पोर्शन काफ़ी सिमिलरिटी है इस बेडरूम की, तो वार्डरोब एरिया में थोड़ा सा टेक्सचर में डिफरेंस है, थोड़ा कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, नीचे जो कलर था ब्राउन कलर वो उसका जो शेड उसमें थोड़ा जो है डिफरेंस है वो थोड़ा ग्लोइंग था, ये थोड़ा डल शेड में आपको ये वार्डरोब एरिया का टेक्सचर मिलेगा, काफ़ी मैसिव वार्डरोब एरिया। और सीलिंग आपको बहुत ही सिंपल जो है तमाम बेडरूम्स की बहुत ही यूनिक नहीं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल आपको इसकी सीलिंग मिलेगी, बहुत ही जो ग्रेसफुल लग रही है। तो ये सामने बड़े साइज की विंडो नज़र आ रही, वीडियो काफ़ी बड़ी है, यूनिक इतनी बड़ी विंडोज़ नहीं होती बेडरूम में। और सामने आपको साथ अटैच वॉशरूम की तरह मैं ले चलता हूँ। सो व्यूअर्स दिस इज द अटैच वॉशरूम, आपको वैनिटी सेट है ऊपर, मिरर इसके साथ आपको शॉवर एरिया और कमोड खूबसूरत टाइलर के साथ, और ऊपर आपको अगर एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ आप देख सकते हैं उधर भी आपको एक अच्छी साइज की ग्लास की जो है छोटी सी एक विंडो है उसकी आपको एक लाइट इनफ्लो के लिए जो है बड़ी बेहतरीन है, और वेंटिलेशन के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो व्यूअर्स जल्दी से इसके जो है मैं अपर पोर्शन के दूसरे और ओवरऑल 4th बेडरूम की तरफ जाता हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं खूबसूरत सीलिंग डिजाइन, बड़े साइज की विंडो और वार्डरोब एरिया, और इसके साथ ही मैं आपको अटैच वॉशरूम की तरफ ले जाता हूँ। व्यूअर्स दिस इज वैनिटी सेटअप, मिरर आपका सेम मराठी ब्रांड का कमोड, और बिल्कुल लाइक इन द ग्राउंड पोर्शन एक अलग अलग दीवार की सेपरेशन के साथ आपको शॉवर एरिया मिल रहा है। जल्दी से व्यूअर्स घर के ओवरऑल 5th और अपर पोर्शन के 3rd बेडरूम की तरफ जाते हैं और उसको देखते हैं। व्यूअर्स दिस इज द 3rd बेडरूम ऑफ द अपर पोर्शन विच इज आई थिंक द मास्टर बेडरूम, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर वर्क नहीं किया गया पर क्या खूबसूरत ब्लैक लाइंस में बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग में आपको इस दीवार पे काम हुआ नज़र आएगा। सामने बड़े विंडो पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो दरवाज़ा है टेरेस का दरवाज़ा उसको भी देख ले, इस बेडरूम में स्पेस के हवाले से काफ़ी ये अच्छा ठीक ठाक साइज़ का बेडरूम है, क्योंकि मास्टर बेडरूम में और क्लोजर की तरफ जाए बिल्कुल आपको वार्डरोब भी काफ़ी मैसिव मिलेगा, आपको अपोजिट जो है एक दूसरे के कैबिनेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मिल रहे हैं, और इसके साथ ही सामने मुझे वॉशरूम मिलता है जिसमें आप वैनिटी सेटअप देख सकते हैं, बिल्कुल कलर थीम बिल्कुल अलग हो चुका है। नीचे बेडरूम में हमने देखा था आपको थोड़ा ब्राउन शेड्स में नज़र आ रहा था, बाकी में ग्रेश शेड में आपको जो है कलर जो है टाइल्स का मिल रहा था, यहाँ पे टाइल्स का कलर जरा व्हाइट एंड ब्लैक का थोड़ा मिक्सचर है, काफ़ी जो है अपीलिंग लग रहा है, ग्लोइंग लग रहा है। शॉवर एरिया आप देख सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी एक अट्रैक्टिव है। सारे वॉशरूम में जो एग्जॉस्ट की जगह उसको काफ़ी ग्लास की जो है फिटिंग के साथ उसको काफ़ी स्पेस के साथ उसको अकोमोडेट किया गया, यूटिलाइज किया गया है। सामने आप मिरर देख सकते हो, वैनिटी देख सकते हो, साइड पे आप इसका कमोड देख सकते हैं। तो व्यूअर्स जल्दी से इसके मैं जो है टेरेस एरिया की तरफ जाता हूँ। ये तो व्यूअर्स इवन टेरेस पे आप देखिए जो टाइल यूज़ की गई काफ़ी शाइनिंग में आपको टाइल मिलेगी, बिल्कुल स्क्रैचेबल जो कि नहीं है, इसकी जो शाइन है लाइफ टाइम शाइन है। और इधर से आप ज़रा और से इस ब्लॉक का प्रॉपर व्यू करें, बहुत ही खूबसूरत प्राइम लोकेशन पर घर है। ले जी साइड पर आपको थोड़ा वो लॉन्ड्री शॉन्ड्री का भी सेटअप मिल रहा है, तो काफ़ी घर में एक दो प्लस पॉइंट थे स्टोर रूम के हवाले से, इस लॉन्ड्री एरिया के वाले से। ये जो एरिया इस टाइम बैठकर शाम के टाइम आपके यहाँ पे गपशप करने का, कॉफ़ी चाय एंजॉय करने का ये जो है एरिया है, और बहुत ही खूबसूरत शाम एंजॉय करने का जो कि आज है। व्यूअर्स ये था इस 10 मरला की बहुत ही खूबसूरत बहुत टॉप नॉच लोकेशन वाली रियल स्टेट का कंप्लीट होस्ट टूर। इसकी मैं डिमांड की बात जो कि निचले आई थिंक आज मैंने नहीं की, तो इसकी मैं डिमांड की बात करूँ तो 5 करोड़ 15 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। तो इस घर के बारे में कोई विजिट स्केजुअल करने के लिए, किसी भी किस्म की डील बनाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, और काइंडली हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको काइंडली आप जो है रूटीन से विजिट किया करें, उसको सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।